और अगर आप लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न होने को लेकर मंडे नाइट रॉ पर बहुत ही बड़ा हिंट आ चुका है। रॉक के एलिमिनेशन चैम्बर पर कम्पीट करने को लेकर बेस्ट से एक और बड़ी अपडेट आ रही है। जेड कार्गिल के डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर में डेब्यू प्लान को लेकर बेस्ट से काफी बड़ी रिपोर्ट आ चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में रॉ पर मूव करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के जे उसो के मेजर प्लान रिवील हो चुके हैं। तो गाइज, वहीं एनएक्सटी के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन ब्रॉन बेकर ने ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को मॉक कर दिया है। तो गाइज, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे सीएम पंक की। वेल, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, सीएम पंक के एडब्ल्यू से बाहर जाने के बाद लगातार सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यू रिटर्न के रूमर चल रहे हैं। और यहीं डब्ल्यूडब्ल्यू के दो हफ्तों पहले मंडे नाइट रॉ के ऊपर कोडी रोड्स के प्रोमो में कोडी रोड्स के बेस्ट इन द वर्ल्ड नाम को लेने के बाद इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चली थी कि कोडी रोड्स यहां पर सीएम पंक के रिटर्न को रेफरेंस दे रहे हैं। और यहीं कोडी रोड्स के उस प्रोमो के बाद आज यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यू के मंडे नाइट रॉ के ऊपर जब सेट रॉलिंस उनका प्रोमो कट कर रहे थे, तो गाइस सेट रॉलिंस के इस प्रोमो के अंदर सेट रॉलिंस ने एक बार फिर से अपने आप को बेस्ट इन द वर्ल्ड कॉल आउट किया है। और गाइस, लगातार दो हफ्तों के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू के दो मंडे नाइट रॉ के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यू के टू बेस्ट सुपरस्टार के बेस्ट इन द वर्ल्ड कॉल आउट करने के बाद अब इस चीज को लेकर तगड़ी स्पेकुलेशन चल रही है कि पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यू सेट रॉलिंस और कोडी रोड्स के द्वारा इस चीज को टीज करा रही है कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यू पर वापस आने वाले हैं। वेल, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि अगर यहां पर सेट रॉलिंस और कोडी रोड्स सीएम पंक का रिटर्न टीज कर रहे हैं, तो गाइस सीएम पंक के रिटर्न होने के बाद सीएम पंक इन दोनों में से किससे राइवलरी करते हैं। बट गाइस, जहां तक बात रही मंडे नाइट रॉ की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जे उसो के डब्ल्यूडब्ल्यू के मंडे नाइट रॉ पर रिटर्न होने के बाद जे उसो इस समय पूरे मंडे नाइट रॉ को रूल कर रहे हैं। और यहीं अब डब्ल्यूडब्ल्यू के मंडे नाइट रॉ पर जे उसो के मूव होने को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यू के ओरिजिनल प्लान रिवील हो चुके हैं। वही इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यू के बेस्ट से ये अपडेट आ रही है कि 3 साल पहले जब डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर जे उसो और रोमन रेंस को ब्लड लाइन फैक्शन में डाला गया था, तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने उसी समय ये प्लान कर लिया था कि वो यहां पर जे उसो को आगे चलकर सिंगल स्टार बनाएंगे। और डब्ल्यूडब्ल्यू के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यू ने हमेशा से ही यही प्लानिंग की थी कि रोमन रेंस के ऊपर जे उसो आगे चलकर टर्न करेंगे, और इसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर जे उसो को डब्ल्यूडब्ल्यू में एक अलग से सिंगल रेसलर बनाया जाएगा। और गाइस, यहां पर बेसिकली डब्ल्यूडब्ल्यू के इसी प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए आज के टाइम पर जे उसो को डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार बना दिया गया है। और डब्ल्यूडब्ल्यू पर जे उसो का रॉ पर आना ये डब्ल्यूडब्ल्यू का कोई शॉर्ट टर्म प्लान ना होके बल्कि 3 साल की लंबी चौड़ी प्लानिंग थी। वेल गाइस, यहां पर मुझे ये बात कहना पड़ेगा कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने डेफिनेटली आज के टाइम पर जे उसो को डब्ल्यूडब्ल्यू का वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉप बना दिया है। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एनएक्सटी के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन ब्रॉन बेकर की। वेल, अगर बात करें यहां पर ब्रॉन बेकर की, तो गाइस इस हफ्ते ब्रॉन बेकर के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर ब्रॉन बेकर ने ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेकर बात की गई, जहां पर ब्रॉन बेकर का ये कहना है कि वो यहां पर एक ना एक दिन डब्ल्यूडब्ल्यू के मेन रोस्टर पर जाके ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से रसल करेंगे। और गाइस, यहां पर ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से जब ब्रॉन बेकर रसल करेंगे, तो गाइस ब्रॉन बेकर ये शो करने वाले गए कि ब्रॉन बेकर का स्पीयर रोमन रेंस के स्पीयर के मुकाबले 1000 टाइम बेटर है। और जब यहां पर रिंग में रोमन रेंस और ब्रॉन बेकर आमने होंगे, तो गाइज फैंस को ये पता चलेगा कि ब्रॉन बेकर ट्राइबल चीफ के मुकाबले भी बेटर रेसलर है, और वो यहां पर एक ना एक दिन डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को बीट करेंगे। वेल, आपको क्या लगता है ब्रॉन बेकर और रोमन रेंस में से किसका स्पीयर ज्यादा बेटर है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं जेड कार्गिल के डब्ल्यूडब्ल्यू में डेब्यू प्लान की। वेल, ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं कि जेड व्हाइट यहां पर जेड कार्गिल डब्ल्यूडब्ल्यू के मंडे नाइट रॉ के ऊपर बहुत ही जल्द डेब्यू करने वाले गए। बट यहीं अब जेड कारगिल के डब्ल्यूडब्ल्यू में डेब्यू प्लान को लेकर लुचा लिब्रे ट्रिपल ए के हेड बुकर कोनन का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है, जहां पर कोनन का यह कहना है कि जेड कारगिल के डब्ल्यूडब्ल्यू के मेन रोस्टर पर डेब्यू करने से पहले डब्ल्यूडब्ल्यू कौसुली यहां पर जेड कारगिल को ट्रेन करने वाले गए। और गाइस, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू एक बहुत ही बड़ी ब्रांड है, तो वो यहां पर जेड कारगिल को मेन रोस्टर पर लाके किसी तरह का कोई भी बोझ नहीं कराना चाहेगी। और गाइस, इसीलिए पॉसिबली जेड कारगिल के मंडे नाइट रॉ पर डेब्यू करने से पहले जेड कारगिल को डब्ल्यूडब्ल्यू के एनएक्सटी ब्रांड के अंदर ट्रेन किया जाएगा, जिसके बाद ही वो मंडे नाइट रॉ के ऊपर डेब्यू करेंगे। पर गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के एलिमिनेशन चैम्बर पे पर व्यू पर रॉक के कम्पीट करने की। वेल, ये बात तो मैंने ऑलरेडी आप लोग को कल रात की वीडियो में बता रखी गई कि डब्ल्यूडब्ल्यू के अगले साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले एलिमिनेशन चैम्बर पे पर व्यू के ऊपर ड्वेन द रॉक जॉनसन डब्ल्यूडब्ल्यू पर रिटर्न करने वाले गए। और इस चीज को लेकर हैवी रूमर चल रही है कि रॉक यहां पर इस पे पर व्यू के ऊपर पॉसिबली कम्पीट करेंगे। और गाइज, अब यहां पर इस चीज को लेकर कन्फर्म रिपोर्ट आ रही
दिए गए कि WWE के अगले साल के रेसलमेनिया के पहले रॉक यहां पर WWE पर इन-रिंग रिटर्न करने वाले गए। और गाइस एलिमिनेशन चैंबर वो पे-पर-व्यू होने वाला है जहां पर रॉक यहां पर WWE में इन-रिंग रिटर्न करेंगे और ऑलरेडी यहां पर WWE के क्रिएटिव टीम के अंदर रॉक के एलिमिनेशन चैंबर पर रेसल करने को लेकर स्टोरी लाइन बन रही गई और पॉसिबली बहुत ही जल्द WWE के अंदर आप लोगों को रॉक यहां पर WWE के किसी बड़े सुपरस्टार से राइवलरी करते हुए दिखाई देंगे। वेल गाइस आपको क्या लगता है WWE के एलिमिनेशन चैंबर पे-पर-व्यू के ऊपर रॉक को WWE के किस बड़े सुपरस्टार से कंपीट करना चाहिए आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।